अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, औरत को सेटिस्फाई करने, इसको मज़ा देने, इससे मज़ा लेने के बारे में मैं काफ़ी वीडियोस बना चुकी हूँ, लेकिन इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ सक्सेसफुल सेक्स यानी कामयाब सेक्स, जिसमें लड़का और लड़की एक ही वक्त में डिस्चार्ज हो, एक साथ डिस्चार्ज हो। ऐसे कैसे पॉसिबल हो सकता है? ऐसा क्या मेथड इस्तेमाल करें कि दोनों मेल और फीमेल एक ही वक्त में डिस्चार्ज हो? तो मैं हूं डॉक्टर आलिया आहत और मैं एक सेक्स काउंसलर हूं और मैं अपने वीडियोस के ज़रिए आपके सेक्सुअल इश्यूज को सॉल्व करने की कोशिश करती हूं। वीडियो को आपने एंड तक देखना है। अगर अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करना है, ताकि इस वीडियो के ज़रिए आप एक कामयाब और सेटिस्फेक्शन वाला सेक्स करना सीख पाएँ और अपने स्पेशल फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर आपने मेरे चैनल आस्क आलिया आहत को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको नई आने वाली वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहे। तो इस बात में असल बात तो ये है कि ज़्यादातर मर्द सेक्स में 2 मिनट से ज़्यादा वक्त नहीं निकाल पाते और औरत को डिस्चार्ज होने के लिए वक्त दरकार होता है। जैसे मर्द तो 1 मिनट में रेडी हो जाते हैं, इनका नफ्स में तनाव आ जाता है, वो अंदर दाखिल करने के लिए भी रेडी हो जाते हैं, लेकिन औरतों में ऐसा बिल्कुल भी नहीं। औरत के जिस्म की बनावट के एतबार से देखें तो सुराख तो हमेशा मौजूद ही रहता है। इसमें चाहे मर्द अपना नफ्स दाखिल कर सकता है, लेकिन वो ऐसे ही होगा जैसे आप किसी बंद मशीन में कपड़े डाल दो तो वो इनको धो नहीं सकती। धुलने के अमल के लिए ये नहीं देखना कि मशीन का मुंह ओपन है, बल्कि ये देखना है कि मशीन कपड़े धोने के लिए तैयार है। तो औरत की शर्मगाह भी बिल्कुल ऐसी ही है। इसमें आप दाखिल तो कर लेंगे, लेकिन वो इस पर अपना अमल करने यानी इसमें 3-4 चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। सबसे पहले औरत की शर्मगाह मुकम्मल तौर पर स्टिमुलेट हो, गर्म हो, इसका सुराख अपनी खुद की चिकनाई से चिकना हो, इसके अंदर के मसल्स में तनाव आ जाए, फिर वो शर्मगाह मर्द के नफ्स को मज़ा देने और नफ्स का मज़ा लेने के लिए बिल्कुल रेडी हो जाती है। यही वो वजह है जिस वजह से मर्द और औरत ज़्यादातर एक वक्त में डिस्चार्ज नहीं हो पाते, क्योंकि मर्द गर्म है और औरत ठंडी है। जब तक औरत गर्म होगी सेक्स का मज़ा लेने और देने के लिए, इसकी शर्मगाह रेडी होगी, इतनी देर में मर्द ढेर हो जाएगा और औरत की तमन्ना, इसके अरमान धरे के धरे ही रह जाएंगे। तो अब आते हैं इस बात पे कि दोनों एक ही वक्त में कैसे डिस्चार्ज हो, इसके लिए क्या करना होगा। तो इसके लिए आपको पहले बीवी के साथ एक अच्छा फोर प्ले करना होगा। इसके होंठों, इसके बालों को छूना, हाथ फेरना, इसकी गले की साइजों और कंधों के ऊपर अपने होंठों से प्यार करना, इसकी छातियों को दबाना, निप्पलों को चूसना होगा, इसके सारे जिस्म पर उंगलियां घुमाएं, इसकी थाइस यानी रानों के ऊपर अपना हाथ फेरें, इसके कमर और कूल्हों पर हाथ फेरें, सबसे आखिर में इसकी शर्मगाह को हाथ लगाएं, इसकी शर्मगाह के ऊपर जो क्लिट है इसको मस लें, इस पर उंगली रगड़ें, फिर इसकी शर्मगाह में उंगली डालें, ऐसे कि उंगली ऊपर की तरफ मुड़ी हुई हो और इसकी शर्मगाह में ऊपर की जानिब से दाखिल हो, यानी इसकी जी स्पॉट से टकराए। जी स्पॉट औरत की शर्मगाह में मटर जैसे दाने के बिल्कुल पीछे शर्मगाह में होता है, यानी शर्मगाह में उंगली ऊपर करके टकराएंगे तो इसको जी स्पॉट स्टिमुलेशन कहेंगे। जब औरत तड़पने लग जाए, आवाज़ निकाले और आपका हाथ रोकने लगे, तब आप इसकी शर्मगाह में अपना नफ्स दाखिल करें और इस तरीके से दाखिल करें कि नफ्स की टोपी औरत की जी स्पॉट पर रगड़ती भी अंदर जाए। 5 से 6 बार ऊपर की तरफ रगड़ने के बाद अब नफ्स को जितना हो सके अंदर ले जाएं और 5-6 स्ट्रोक लगाएं। बस इतनी सी बात थी। सख्त से सख्त औरत भी इस अमल से पानी पानी हो जाएगी और इसकी शर्मगाह अंदर से आपके नफ्स को दबा लेगी। जैसे ही शर्मगाह का अंदरूनी हिस्सा हरकत में आएगा, इस वक्त मर्द भी फौरन डिस्चार्ज हो जाएगा। इस तरह दोनों सेक्स पार्टनर एक ही वक्त में डिस्चार्ज होंगे, जिसको एक परफेक्ट सेक्स और या एक कामयाब सेक्स कहेंगे। अगर आप मज़ीद सेक्स करना चाहते हैं तो जैसे ही औरत डिस्चार्ज हुई होगी, आप नफ्स को बाहर निकाल लें, कुछ सेकेंड्स रिलैक्स करने के बाद दोबारा डालें और आराम आराम से स्ट्रोक लगाएं, क्योंकि अब औरत की शर्मगाह बिल्कुल नरम व मुलायम हो चुकी है और आपको सेक्स का मज़ा देने के लिए बिल्कुल रेडी है। तो उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।